आज मैं ये डियोर बैकस्टेज फाउंडेशन ट्राई करने लगी हूँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम, और मेरे पास इसके दो शेड है, एक लाइट है एक डार्क है। इनको मिक्स करके मैं अपना शेड बनाऊंगी। ड्राई स्किन वालों के लिए ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट है। अगर आपकी स्किन पे हैवी फाउंडेशन सूट नहीं कर रहा तो आप ये वाला लाइट फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, ये वाला ब्रश जो है ये टिकटॉक पे मैंने काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट को यूज करते हुए देखा। अच्छा खासा एक्सपेंसिव ब्रश है, लाइक सिर्फ ये एक ब्रश जो है $58 प्लस टैक्स में है। ये बीके ब्यूटी का ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश। सुना तो है कि इसके साथ आप फाउंडेशन लगाए तो बड़ा स्मूथली लग जाता है। चलें जी हम ट्राई करते हैं इसको भी। फाउंडेशन मैंने मिक्स कर लिया, इसको मैं लगाऊंगी अपने फेस पे। देखिए मेरे स्किन के साथ कितना अच्छा मैच हो गया। बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जितना सा मुझे चाहिए सिर्फ उतना ही अप्लाई करूंगी। डियोर फाउंडेशन से ज्यादा ना मैं इस ब्रश के लिए एक्साइटेड थी कि मैं ये चेक करूं कि ये कैसे ब्लेंड करता है। चलें जी, अब ये मेरे पास ब्रश है, मैंने ये जो आगे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया ना मेरे प्लेट के अंदर था उसको मैंने जरा साफ कर लिया। फाउंडेशन वेस्ट नहीं करना, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद हम इसको सिर्फ डैबिंग मोशन में अप्लाई करेंगे। फेस के ऊपर ना मैंने और कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ प्राइमर लगाया हुआ है और इसके साथ सिर्फ डैब डैब करना है। और जो मेकअप आर्टिस्ट ये वाला ब्रश यूज कर रही है, मैंने देखा कि वो बाद में इसको ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल सेट नहीं करती हैं। बकौल उनके ये इसी के साथ आपका फाउंडेशन इतना अच्छा सेट हो जाता है, जो खैर थोड़ा सा नजर भी आ रहा है। इसके साथ ना जब आप फाउंडेशन को प्रेस करते हैं आपके लाइंस में आपके पोर्स में फाउंडेशन जो है वो इजीली चला जाता है और जाके अच्छे से सेट हो जाता है। फाउंडेशन खड़े लगने में भी काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है, बिल्कुल भी हैवी कवरेज नहीं है इसकी। लगने में भी लाइक हैवी फील नहीं हो रहा। कई फाउंडेशन होते हैं ना थोड़े से थिक कंसिस्टेंसी वाले, वो लगने में भी फील हो रहे होते हैं। और ये डियोर जो बैकस्टेज फाउंडेशन है ये काफी लाइट वेट है, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं जरा फोरहेड वाला ब्लेंड करूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फाउंडेशन मेरा ब्लेंड हो गया इसके साथ, बीके कॉस्मेटिक के ब्रश के साथ। बीके कॉस्मेटिक नहीं, बीके ब्यूटी। एंड आई थिंक वाकई में ये बड़ा अच्छा ब्लेंड हो गया, बड़ा ही स्मूथ आ गया। अभी देखिए मेरे पोर्स जो हैं उसके ऊपर मैंने पोर फिलर नहीं लगाया हुआ, फिर भी बहुत कम विजिबल हो रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से। और स्किन का टेक्स्चर भी जो है जाहिर है इसके साथ थोड़ा कवर हो गया, कहीं से भी ऐसे टेक्स्चर्ड स्किन फील नहीं हो रहे। पोर्स हल्के हल्के से विजिबल है क्योंकि मैंने कोई पोर फिलर अप्लाई नहीं किया हुआ। ओवरऑल मुझे ब्रश पसंद आया, इवन कि मैंने कभी भी ब्रशेस के साथ फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, एवरी टाइम मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यूज करती हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर भी मैं ड्राई यूज करती हूँ, मैंने कभी भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं किया। हाँ अगर वॉश करके रखे हुए हैं और वो थोड़े से वेट हैं तब मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैंने पर्सनली कभी खुद से ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके यूज नहीं किया। इस ब्रश के साथ मैंने ये कंसीलर वाला ब्रश भी मंगवाया था, ये भी सेम बीके ब्यूटी का। ये भी आप देखिए काफी एंगल सा बना हुआ है ब्रश। इसके साथ ये जो आपके अंडर आई एरिया में लाइंस होती है ना, यहाँ कंसीलर अच्छे से चला जाता है। थोड़ा सा कलर करेक्टर लगा लिया मैंने, कंसीलर लग गया, इसको मैं करूंगी इसके साथ ब्लेंड। फाउंडेशन वाला ब्रश अच्छा है, इसके साथ ब्लेंडिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा।